लखनऊ खास इस वजह से जाना जाता है कि हम काफ़ी जगह घूमे टहले यहाँ आउट ऑफ कंट्री भी, बट लखनऊ में एक अपनापन अलग सा है जो लोगों को बातचीत करने में जो तहजीब है, जो आदमी को टाइम एक दूसरे के लिए किसी भी वजह से अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे के काम आने के लिए स्पेशल मतलब खड़े होते हैं, और ये नवाबों का शहर है तो दिलदार लोग होते हैं। देखिए, लखनऊ की रियल इस्टेट इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो विगत सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। अभी बेसिकली मैंने जब देखा, शुरू में 3 फ्लोर के कुछ फ्लैट हुआ करते थे, लोग जानते नहीं थे कि फ़्लैट का कल्चर कैसा होता है, और स्पेशली बहुत कम एरिया में ही डेवलपमेंट था। बट ये रियल इस्टेट के डेवलपमेंट की वजह से आज की डेट में बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंगे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे यहाँ से लेके यूपी, पूर्वांचल और बिहार तक के लोग हैं जिनको रहने के लिए प्रॉब्लम दिक्कत होती थी, कम बजट में अच्छे बजट में ओमैक्स ने उनको एक आवास देने का काम किया है। देखिए, ओमैक्स के आने से अगर देखा जाए तो मेरा जो मानना है, मेरा खुद का अनुभव है कि अगर लखनऊ, पुराने लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो अगर आप लखनऊ जो बृहद लखनऊ है या जो लखनऊ का विस्तार हुआ है उसमें आप देखेंगे तो 70-80% ओमैक्स का ही हैंड है। आप जहाँ पे बैठे हैं, इसे एक न्यू हजरतगंज का नाम दिया गया है, यहाँ की पहचान ही हजरतगंज से थी। ठीक है, लोग ये सोचते थे कि हजरतगंज की शाम यहाँ बहुत फेमस थी, आज भी लोग जाते हैं। अगर देखा जाए तो उसको एक तरीके से नए रूप में लाने के लिए ओमैक्स ने जो काम किया है, और नए हजरतगंज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसका न्यू हजरतगंज नाम है चौक, और ये उसी तौर तरीके से सारी बिल्डिंगें, सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हम लोग देख पाएंगे। मैं 2015 में ओमैक्स के साथ जुड़ा। मैं पहले ओमैक्स में रहने के लिए आया था, रहने के पर्पज़ से आया था, बट मैंने जब यहाँ की चीज़ें देखी और एक इवेंट था वाटरस्केप में, तो जो हमारे एमडी सर हैं वो आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, और मिलने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हाँ, हमें जुड़ना चाहिए और मैं कर सकता हूँ। उन्होंने हमको प्रमोट किया सारी चीज़ें, उसके साथ जुड़ने के बाद मुझे पलट के कहीं पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जो और सारे बिजनेस व्यापार थे मैंने उसको छोड़ दिया। बेसिकली मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, मैं ठेकेदारी करता था, बट ये है कि हाँ, मिलने के बाद कंपनी में जो अपना पन एक है, हमको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी कंपनी के साथ काम करता हूँ। एज ए कंपनी से जुड़ते हुए अपने परिवार के तौर तरीके से हम लोग जुड़े, और आज उसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा।